राजधानी दिल्ली संगम विहार में सर्व सम्मान ट्रस्ट के द्वारा किया गया लोगों का फ्री चेकअप और लोगों को फ्री में ही मिल रही है दवाइयाँ और चश्मे लोगों को मिल रहे हैं। लोगों ने बताया कि हम लोग एम्स या मोहल्ला क्लिनिक में ऐसी कोई सुविधा नहीं है और वहाँ ना ही सही से चेकअप करते हैं, हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सर्व सम्मान ट्रस्ट के डॉक्टरों ने बताया कि हमें ना ही तो राज्य सरकार से ना ही तो केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग मिलता है। हम लोग और हमारे ट्रस्ट के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। डॉक्टर विकास कुमार राय ने बताया कि हमारे लक्ष्य है कि गरीब और मजदूर लोगों को फ्री में ऑपरेशन करवाना, क्योंकि गरीब लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो लोग अपना ऑपरेशन करवा सके। इसी बीच डॉक्टर मनोज कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया, हम जरूरतमंदों को बुला बुला कर उनका चेकअप करवाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ताक ढोकते ही हमारा मोहल्ला क्लिनिक या एम्स में गरीब और मजदूर को सुनने वाला कोई नहीं होता। इसलिए हमारे आई केयर आई हॉस्पिटल E3A सेक्टर 26 नोएडा में कराया जाता है। सर्व सम्मान ट्रस्ट का कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले स्पॉन्सर बाय मिस्टर एंड मिसेस शाह कैनेडा इन मेमोरी ऑफ लविंग सिस्टर लेट राजन बेन वासा का इनका भी काफी सहयोग और अहम भूमिका निभाई है। मौके पर मौजूद रहे सर्व सम्मान ट्रस्ट के विजय कुंद्रा, सागर कुमार जोशी जी और अन्य सभी सदस्य उपस्थित रहे और लोगों को जागरूक किया। रिपोर्टिंग बाय मोहम्मद अफरीदी इदरीसी दिल्ली से। प्रोवाइड करवा रहे हैं और इस तरह की केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार हमारी हेल्प करे और हम इस मुहिम को आगे तक बढ़ाना चाहते हैं, आगे तक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जो आपने आई केयर हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का खर्चा कौन उठाता है? एक्चुअली में इसमें जो हमारे कुछ कनाडा के एक ट्रस्टी हैं वो उठा रहे हैं और उनकी जो सिस्टर है वो एक्सपायर हो गई थी तो उनके लिए। ये जो सर्व सम्मान ट्रस्ट है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? इनके जो हैं दीपक खन्ना जी हैं और दीपक खन्ना जी और भावना खन्ना जी हैं सहयोगी और रचना खन्ना डॉक्टर रचना खन्ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम खुजीत जी। अभी जो आप यहाँ पे आए हैं कैंपिंग में, कैसा लगा यहाँ के जो डॉक्टर लोग चेकअप कर रहे हैं? नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया स्टाफ, बहुत कोऑपरेटिव है और अच्छा रिस्पॉन्स है अभी तक। क्या लग रहा है यहाँ से जो जिनका वो हो रहा है चेकअप, उससे रिलीव है? नहीं, अभी तो चेकअप स्टार्ट हुआ है, अभी ऑपरेशन होगा, उसके बाद रिलीफ का तो बाद में पता चलेगा। अभी तो जो स्टार्टिंग है वो ठीक है जी, अच्छी है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार को ये मैसेज कुछ देना चाहेंगे, जैसे यहाँ फ्री और कॉस्ट है जो मिलना चाहिए, ऐसा कैंप लगनी चाहिए जिससे कि कस्टमर्स को या जो नहीं कर सकते ऑपरेशन वगैरह जो वो फ्री होना चाहिए, जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इनको कैंप लगाने चाहिए जी। शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम बिहार नई दिल्ली में। सर्व सम्मान ट्रस्ट के हमारे साथ डॉक्टर है विकास कुमार राय। आज जो फ्री कैंपिंग जो आपने की है, इसके बारे में बताएं कि आप मरीजों को यहाँ सुविधा मिल रही है? जी, जैसा कि बता दूँ हमारी ये पूरी टीम है, डॉक्टर लोग अंदर चेक कर रहे हैं। मैं एक संस्था है सर्व सम्मान NGO, आज 10 सालों से तकरीबन आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें मरीज को हम लोग मेडिसिन और ग्लास तो यही प्रोवाइड करा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो ऑपरेशन के लिए होते हैं लोग, जिनके कैटरक हैं 20-30 हज़ार खर्च हो सकता है, वो नहीं कर पाते, उनके लिए हम लोग आई केयर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जो हमारे पैनल में है, हम उसमें ले जाके उनकी सर्जरियाँ कराते हैं। प्लस उनका जाना, उनका आना, उनका रहना खाना, वो सब कुछ हमारे तरफ से होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, निःशुल्क होता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो अपनी जानते हुए भी अपनी आँखों को ठीक नहीं करा सकते, उनके लिए हमारा ये कदम है और उनके लिए हम काम करते हैं कि उनको बेहतर इलाज और उनकी आंखों से फिर से दुनिया दिखा सके। सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से आपको कुछ सहयोग नहीं मिला जा रहा है या आप अपने ट्रस्ट के द्वारा कर रहे हैं? हम लोग कोई सरकारी नहीं है, हम लोग एक NGO एक ट्रस्ट से हैं, जिसमें आप जैसे लोग कॉर्पोरेट जगत कुछ सहायता देती है, जिस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, हमारा सरकार से कोई नहीं। हम लोग अपना एक NGO है जिससे हम लोग ये लोगों को सेवा देते हैं जी। शुक्रिया।
अभी हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जी है जो यहाँ पेशेंटों को देख रहे हैं और केयरिंग कर रहे हैं। मनोज कुमार जी, ये बताइए जो आप यहाँ जो पेशेंटों को देख रहे हैं, इन्होंने अभी बताया एक फ्री कॉस्ट और ऑपरेशन भी एकदम फ्री होता है, इस विषय पे आपका क्या कहना है? बहुत सारी लोगों की जरूरत थी यहाँ पे, जो काफ़ी गरीब है और एक मेगा कैंप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी जहाँ पे हम लोगों के लिए फ्री चश्मे और फ्री मोटिंग का ऑपरेशन करा सके। इस उद्देश्य को रखते हुए आज का दिन जो है हमने कैंप रखा है जहाँ पे दवाइयाँ क्या लगता है यहाँ जितने भी आ रहे हैं जो सहायक हैं, इनको अभी तक आपने कितने चश्मे दे दिए, कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है आंखों में? यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादातर गरीब लोग हैं जो पैसे के अभाव में चश्मे खरीद नहीं सकते। बाजार में चश्मे 400-500 का मिलते हैं जो काफ़ी पैसे के अभाव में वो ले नहीं पाते और अपनी आँखों को खराब कर देते हैं। यहाँ जैसे कि दिल्ली में देखा जा रहा है, राज्य सरकार जो कहती है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं, एम्स में अच्छी सुविधा दी है, लेकिन एम्स और मोहल्ला क्लिनिक के रहने के बावजूद भी यहाँ के गरीब लोगों का ऐसा नहीं हो पा रहा है, इस विषय पे आप कुछ राज्य सरकार या केंद्र सरकार को सूचना देना चाहेंगे? बिल्कुल, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोहल्ला क्लिनिक और एम्स में बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि लोग को अच्छे से सुविधा नहीं मिल पा रही। जहाँ तक चश्मे की फ्री मिलने की बात, वहाँ भी चश्मे फ्री नहीं दिया जा रहा। मोहल्ला क्लिनिक में चले जाइए, वहाँ पर खाना पूर्ति हो रही है, सिर्फ एक गवर्नमेंट खाना पूर्ति कर रही है, 2-4 दवाई खाने का काम कर रही है, पूरी तरह तसल्ली से तो काम हो नहीं पा रहा। लेकिन जो राज्य सरकार जो टाल ठोकती है कि हमारी बेहतर सुविधा मिल रही है, काफ़ी अभी मैं देखा हूँ बाहर भी जो बुजुर्ग लोग हैं, माता हैं, बहनें हैं, वो लोग को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल, आपका बिल्कुल कहना सही है क्योंकि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है लेकिन जो डॉक्टर हैं वो अच्छे से वो अपने कार्य को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। अगर वो अपने कार्य को बेहतर ढंग से अंजाम दे तो लोगों की कोई समस्या ही नहीं आएगी और लोगों जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भीड़ होते हैं वो भी पूरी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। आपका भी धन्यवाद। आपका जी सर, आपका नाम? जी अभी डॉक्टर साहब मनोज कुमार जी ने ये बताया है कि लोगों को मोहल्ला क्लिनिक या फिर एम्स में कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल पा रही है जो गरीब लोग हैं, तभी हमने ये मुफ्त कैंपिंग रखा है। इस विषय पे आपको क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को क्या सूचना देना चाहते हैं? काफ़ी गरीब